हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो अब हम आए हैं कहाँ है स्टेडियम, हम आए हैं नेताजी स्टेडियम। यहाँ पे है स्टेडियम पे होगा बीटिंग रिट्रीट, यहाँ पे होने वाला है, तो इसीलिए हम आए शाम के टाइम। अभी हाँ कुछ कुछ है तो दिखाते हैं क्या क्या है, मेरे को भी ठीक से पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं क्या क्या है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। जी हाँ, पब्लिक एंट्री यहाँ से है तो यहाँ से जाए। चेकिंग गोविंद भाई से बताओ, सिंग ब्लॉक नहीं हो रहा है। हमारा चेकिंग हो गया यहाँ पे, वही जगह देगा हमको बैठने के लिए, लेट हो गए यार। पूरा भरा हुआ आज तो, पूरा भरा हुआ, उधर जाकर दिखे नहीं हम लोग। कहाँ से ऊपर चढ़ जाना, कहाँ चलो ना पीछे ये वहाँ जाते हैं। ऊपर जाने के भी जगह बस हंस गए यार। जगह नहीं चलो ऊपर, आगे सबसे टॉप पे सबसे ऊपर आ गए। अभी यहाँ से देखेंगे बैठ के, लेट हो गया यार, जल्दी यहाँ से हम सीट मिलता है। चलो यहाँ से भी दिख जाएगा अच्छा सा, ये तो तेरा पारी है। लाइव करेंगे हम, देखिए अब यहाँ से बैठ के, तो स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने वाला है अभी, लाइव चलाने वाला है यहाँ, लाइव चलेगा थोड़ी देर में। अभी देख सकते, ये देख सकते हो आप, इतना पब्लिक यहाँ पे बैठे है, इतना पूरा वो कोना तक बैठे है। अभी भीड़ होने स्टार्ट हुआ है, तो भीड़ होने स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट नहीं, अभी 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये सनसेट होने ही वाला है, थोड़ी देर में हो जाएंगे। अभी सारे बच्चे प्रोग्राम, अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, बच्चे लोग अभी ग्राउंड में जाते हैं, डांस स्टार्ट होएगा। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर रेड का, तिरंगा के कलर में। उस साइड में वीआईपी एंट्री, उस साइड में वीआईपी और इनविटेशन वाला एंट्री है उधर।
और हम यहाँ पे आम आदमी यहाँ पे वहाँ तक भर गया यार। 2024 समापन समारोह मैं गीता नवीन भट्ट अपने साथी कमेंटेटर अनीशा के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र उत्सव का आधिकारिक समापन होता है। पीटिंग द रिट्रीट सन 1950 में शुरू हुई थी। पीटिंग द रिट्रीट में तीनों सेनाओं का बैंड धुन सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। प्रतिवर्ष 29 जनवरी को पीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। आज इस समारोह में आर्मी नेवी एवं अंडमान निकोबार पुलिस राव बैंड तथा अंडमान निकोबार लेडी पुलिस फाइट बैंड लोकप्रिय मार्चिंग धुन से वातावरण को संगीतमय बनाएंगे। टीचिंग द रिट्रीट मार्क्स द एंड ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। आर्मी नेवी अंडमान निकोबार पुलिस ब्रास बैंड एवं अंडमान निकोबार लेडी पुलिस फाइट बैंड मधुर धुन बजाती हुई अपने अपने कर्तव्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर। वहाँ सर यहाँ में आके यहाँ खड़ा हो गया सर ये पहला लाइन से उधर हमें देखते लगता हमको तभी नहीं जा सकता चीफ स्पेशल ऑफिसर म्यूजिशियन अंडमान कुमार पुरी ब्रास बैंड की अगुवाई कर रहे हैं। एएसआई किशोर कुमार अंडमान कुमार लेडी पुलिस फाइट बैंड नेतृत्व कर रही हैं। इंस्पेक्टर शांति अर्जुन वर्तमान में जब रिट्रीट की धुन बजती है तो ध्वज को उतार कर उसे सम्मान के साथ ले जाया जाता है। इस दौरान अविचल खड़े रहने की परंपरा है। ड्रमर्स कॉल यानी ड्रम वादन उन दिनों की याद दिलाता है जब शहरों और कस्बों में तैनात सैनिकों को संध्या काल में एक तय समय पर उनके सैन्य शिविरों में बुला लिया जाता था। परंपरा और आधुनिकता का अत्यंत सुंदर मिश्रण है ये बीटिंग द रिट्रीट समारोह। श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था और यह बैंड 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन बैंड प्रतियोगिता में भी दूसरी स्थान पर रहा। इतना दूर है कि ना जो वहाँ पे जितने बैंड है सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। लाहौर की रैली Thank you.
आधे आगे से निकल के आधे यहाँ से आ रहे हैं। चलो यार, आज का जो पेटिंग रिट्रीट सेरेमनी तक ख़त्म हो गया है। शाम के 6:15 आसपास हो गया है। देख सकते हो पूरा ऐसा सीन है। चलो यार, ओ इसको बच्चों का था। चलो आज का जो प्रोग्राम था ख़त्म हो गया है, तो सब निकल गए। अभी हम भी बच्चे हुए निकल गए। चलो लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग, नेताजी स्टेडियम का फ्रंट लाइटिंग। हमारा गाड़ी जो अंदर पे है, लेने जाना पड़ेगा। कुछ खाने जाएगा मेरे भाई इधर। पांडे जी कैसे हैं फिर?
एक्चुअली मेरे को देख देख के ड्यूटी में आ गई घूमने बस घूमने ड्यूटी में। हाँ चलो ओके तो मिलते हैं आपसे फास्ट फूड के स्टॉल। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस फूड ब्लॉग में। तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि मोमोज कर रहे थे, तो मोमोज के शॉप पे आ गए हम।